हेलो दोस्तों, फिट फॉर हिट में आपका स्वागत है। मैं सौरभ त्यागी आज आपको एक ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आने वाले दशकों में बहुत ही पॉपुलर होने जा रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें मशीन से मशीन की बात होती है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, कितनी ज़्यादा संभावनाएँ हैं इस फील्ड में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आपके बच्चे स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हैं, आप कंप्यूटर साइंस से हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप घर से निकलें और आपको अचानक याद आए कि क्या आपने अपने घर का मेन डोर लॉक किया है या नहीं, आप एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि डोर लॉक है या नहीं। दोस्तों, कितना अच्छा हो कि आप अपने मोबाइल पर डोर लॉक का स्टेटस देख पाएं और वहीं से उसे ओपन या क्लोज कर पाएं। जी हाँ, ये सब संभव है IoT से। आप सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं और आप अचानक से अपने सामने एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत पुलिस स्टेशन और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। दोस्तों, कितना अच्छा हो कि जैसे ही एक्सीडेंट हो ऑटोमेटिकली कार में लगा हुआ सिस्टम GPS लोकेशन के साथ मैसेज पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में सेंड कर दे और बिना किसी देरी के पुलिस और एम्बुलेंस वहां आ जाए। जी हाँ दोस्तों, ये सब संभव हुआ है IoT से। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट होम की, स्मार्ट हॉस्पिटल्स की, जिसका जिक्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने एक भाषण में किया था जब उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। दोस्तों, जब वो ये बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं वो IoT को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। तो आखिर ये IoT है क्या? अगर हम टेक्नोलॉजी हिस्ट्री के आधार पर बात करें तो IoT कोई नई चीज़ नहीं है दोस्तों, कई दशकों से ये इम्प्लीमेंट होता हुआ आया है मिलिट्री ऑपरेशंस में, मेडिकल साइंस में, रोबोटिक साइंस में और स्पेस साइंस में, लेकिन जब से ये कॉमन फील्ड में आया है तब से ये पॉपुलर होना शुरू हो गया है दोस्तों। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट हम सब जानते हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट मतलब नेटवर्क और थिंग्स मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जैसे आपका फोन, CCTV कैमरा और ऐसे सभी डिवाइस जो कम्युनिकेशन करने में सक्षम होते हैं। तो ये एक नेटवर्क है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का, जहाँ सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस सेंड करते हैं, जैसे कि आपका फोन और डोर का लॉक आपस में कम्युनिकेट करें, मोबाइल इंस्ट्रक्शन सेंड करें और डोर लॉक या ओपन हो जाए। दोस्तों, इन सभी एग्जांपल से आपको ये तो बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि IoT का स्कोप कितना ज़्यादा है। आप जितना सोचते जाएंगे हर जगह आप पाएंगे कि IoT का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि IoT किस तरह काम करता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट होती है सेंसर्स, जो कि बहुत ही ग्राउंड लेवल पर काम करता है। ये एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है, मेजरमेंट करता है एंड देन फिर डेटा को इकट्ठा करता है। इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर इस डेटा को प्रोसेस करता है तथा लोकल स्टोरेज में सेव करता है और फिर डेटा अगर क्रिटिकल होता है तो उसे इंटरनेट के थ्रू क्लाउड पर सेंड कर देता है। उसके बाद भी वहाँ भी क्लाउड प्रोसेसिंग होती है और फिर क्लाउड स्टोरेज में डेटा सेव हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ऐसी फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताना था जो कि आने वाले एक या दो दशकों में हमारे समाज को, हमारे शहरों को बहुत हद तक बदल देगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये बिल्कुल सही समय है जब आप इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं और अपना करियर सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।